नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं अनामिका आपके लिए राखी मेकिंग की एक्टिविटी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आइए देखिए इसे कैसे करेंगे। देखिए बेटा, ये मैंने एक शेप कट कर ली है सर्कल टाइप, और साइड में छोटे छोटे जो हैं इसके इस तरह से पेपर से कट जो हैं वो लगा लिए हैं। ठीक है, इस तरह से ये पेपर रखेंगे। फिर हम कंट्रास्ट में पेपर लेंगे। मैंने वॉयलेट लिया है तो येलो का कंट्रास्ट बना रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी कर सकते हैं बेटा। फिर हम इसको ना छोटा छोटा ऐसे फोल्ड करेंगे, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ, इस तरह से बराबर बराबर आपने फोल्ड करने हैं, कहीं भी कमियाँ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से। देखिए ये काफ़ी लंबा था तो मैंने दो जो हैं वो आपस में ऐसे कट करके लिए हैं, और फिर यहाँ पे एक थ्रेड लिया है, जिस कलर का मेरा पेपर है उसी कलर का मैंने थ्रेड लिया है और ऐसे कस के नोट बांध दी है, तो ये कुछ इस शेप का आ जाएगा। फिर हम यहाँ से एक लेंगे और यहाँ से एक लेंगे और इनको ग्लू लगा देंगे। देखिए ऐसे ग्लू लगाएंगे और इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड्स जो है ऐसे खोलते जाएंगे और ये इस तरह की शेप ले लेगा। आप चाहें तो ज़्यादा लंबा पेपर लेके एक बारी में भी कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे ये सूख रहा है, ये देखिए ये सूख चुका है और इसने ऐसे शेप ले ली है। कहीं छोटा बड़ा है तो हम उसको इक्वली जो है वो कट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए अब ये बिल्कुल इक्वल हो चुका है। ये जो हमारी शेप है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। अब देखिए बेटा, ये थोड़ा है, छोटा है और ये बड़ा है, तो हम इसकी शेप को थोड़ा थोड़ा और कट करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल शेप में आ चुका है, और जब हम इसको ऐसे रख रहे हैं तो इसके अंदर ये काफ़ी प्रॉपर शेप दे रहा है, तो हम इसको ग्लू लगा के चिपका देंगे। यहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे। और इसको ऐसे पेस्ट करके बिल्कुल सेंटर में ऐसे पेस्ट करके सूखने का वेट करेंगे। देखिए ये थोड़ा सूख चुका है। मेरे पास ये ब्लू कलर का एक बीट है, काफ़ी बड़ा है ये, तो मैं इस पर ग्लू लगाऊंगी और इसको सेंटर में पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए थोड़ा ज़्यादा ग्लू लगाना है ताकि जो गैप है उसको ये प्रॉपरली फिल कर सके। ये देखिए इस तरह से ये बन गई है। ये बहुत सिंपल और जल्दी बनने वाली राखी है। अब देखिए हम इसमें कुछ और एडिशन करेंगे, इसको थोड़ा सा शाइनिंग बनाने के लिए। देखिए मेरे पास ये सिल्वर डस्ट सी है, ठीक है, सिल्वर है ये। आपके पास गोल्डन हो गोल्डन डालिए, सिल्वर हो सिल्वर डालिए, या किसी और कलर की भी, या जो स्पार्कल ट्यूब्स आती हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके सेंटर सेंटर में भी ग्लू लगाई है और थोड़ी सी साइड साइड में भी ग्लू लगाई है, तो ये देखिए ये ऐसे कितनी सुंदर शाइन करना स्टार्ट हो गई है। अब हम एक पेपर लेंगे इस तरह से, इसको थोड़ा सा सूखने देंगे और उस पेपर पे हम ग्लू लगाएंगे इस तरह से। ग्लू लगाने के बाद मैंने ये देखिए डोरी ली है, मैंने डबल थ्रेड की ली है। आप चाहें तो इसके साथ पर्पल शेड जो है या ब्लू शेड जो इसके कॉम्बिनेशन में जा रही है वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ग्लू लगाने के बाद, और ये हमारी जो राखी है इसको इसके ऊपर ऐसे कर देंगे। तब ये थोड़ी सूख रही है, तो ये देखिए पीछे से ये इस तरह से पेस्ट हो जाएगा और ये निकलेगा भी नहीं। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर शाइनिंग वाली और बहुत सिंपल राखी बन के तैयार हो गई है। बेटा आप सबने इस तरह की राखी बनानी है,
ठीक है, ये देखिए इस तरह की स्पार्कल वाली राखी आपने बनानी है। कलर कॉम्बिनेशन आप कोई भी ले सकते हैं। ये सुंदर सी राखी बनाइए, इसके साथ पिक लीजिए अपनी और मुझे सेंड करिए। मेरा नंबर आप सबके पास है। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू बेटा।